उर्दू अकेडमी के सदरनशीन मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी को उनकी 3 साल अमियाद की तकमील पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। अकेडमी में मुनक़िदा विदाई तकरीब में एक किताब याद रफ्तगान और अकेडमी के तराने की सीडी जारी की गई। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ऐनुल हुसैन रजिस्ट्रार महमूद सिद्दीकी मेहमान खसूसी थे। सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने खैर मकदम किया। मोहतरम नाजरीन, आज तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी के लिए एक बहुत ही अहम दिन है, इनकलाबी दिन है, जिसके ज़रिए से आप जानते हैं अभी हमारे सदर नशीन जनाब डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब की ज़ेर सरपरस्ती अहम काम अंजाम दिए, जिसमें सबसे अहम काम रोशन सितारे जिसके 1 साल की तकमील हो चुकी है, 12 शुमारे उसके निकल चुके हैं। 2020 में हमने इसको शुरू किया था बच्चों के लिए। ये न सिर्फ रियासत में मकबूल हुआ बल्कि पूरे मुल्क के अंदर ये मकबूल हो रहा है, ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है। कौमी ज़बान जो 1981 से शुरू हुआ था और जून 1981 से 20 साल की तकमील के बाद 40 साल की तकमील के बाद आज ये 41वें साल में कदम रखा हुआ है। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि आज की तकरीब हमने रोशन सितारे और कौमी ज़बान के इस जश्न सालगिरह के मौके पर हमने मुनक्किद की है। आज एक और कारनामा हमने अंजाम दिया, उर्दू अकेडमी के तराने की रस्म इजरा अंजाम दी गई। हमारे सदरनशीन डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब ने ऐसे तराने को रिलीज़ किया है, आप जानते हैं उसके अंदर ज़ुबानी उसलूब है। एक तो लोग उससे अकेडमी से मंसूब होंगे, अकेडमी के साथ अट्रैक्ट होंगे, दूसरा मादरी ज़बान उर्दू के ज़रिए इंशाल्लाह इसको फ़रोग मिलेगा। तीसरी अहम बात ये हुई कि किताब, मशहूर किताब तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की इनकलाबी किताब याद रफ्तगान, जिसको हैदराबाद के मशाहिर उर्दू भी कहा जाता है, कहा गया है, उसकी रस्म इजरा अंजाम दी गई। ये हैदराबाद के 69